नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापार पहले हम व्यापारी हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीएसटी विभाग की कार्रवाई को तानाशाही करार देते हुए महोली में व्यापारियों ने काली पट्टी बांधी और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जीएसटी विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद जैसे नारों से इलाका गूंजता रहा। सभी व्यापारी मिल गेट पर जमा हुए। यहाँ से नारेबाजी करते हुए पैदल चलकर कोतवाली महोली पहुंचे और वहां से पुनः मिल गेट पर वापसी की। व्यापारियों ने मिल गेट पर एक बैठक कर मौजूदा हालातों पर चर्चा की और आगामी रणनीति पर चिंतन मंथन किया। व्यापारियों ने तय किया कि यदि जीएसटी विभाग की तानाशाही नहीं रुकी तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि यहां के व्यापारी कोई भी कर चोरी नहीं कर रहे। विरोध जीएसटी का नहीं किया जा रहा, विरोध कार्यशैली का किया जा रहा है। इस मौके पर फार्मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता, दीपू, महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश चौरसिया, कोषाध्यक्ष अरविंद बाजपे, युवा अध्यक्ष शालू कटियार, व्यापारी नेता राघवेंद्र रस्तोगी रामू, राजेश मगन, छोटे रस्तोगी श्रीस बाजपे, विशाल रस्तोगी संजय गुप्ता, सोमी सरदार, पूर्व महामंत्री संजय शुक्ला, पिंकू सिंह, विश्वनाथ शुक्ला, नितिन मित्तल, नवनीत जायसवाल, सौरभ जायसवाल, शिखर अग्रवाल, रुपेश गुप्ता, प्रमोद रस्तोगी, बबुआ तिवारी, अशोक अग्रवाल, आशीष तिवारी सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। आई इंडिया के जिला संवाददाता वीरेंद्र मिश्रा ने महोली व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता दीपू से बातचीत की। आप भी सुने वे क्या बोले। पूरे जिले में जीएसटी की छापेमारी को लेकर जो व्यापारी में भय व्याप्त है, महोली उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी व्यापारी दहशत में है, कई चीज के प्रतिष्ठान बंद चल रहे हैं। इसे लेकर व्यापारियों ने आज विरोध मार्च निकाला, काली पट्टी बांधकर जीएसटी की छापेमारी का विरोध किया है। हमारे साथ मौजूद है महोली व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू। आइए उनसे जानते हैं क्या वजह है, कब तक ये ऐसा चलता रहेगा। देखिए, आपको बता दें, संशोधन करना चाहेंगे आपकी बात में, हमारे व्यापारियों में कोई भी भय नहीं व्याप्त है। अगर हम आज प्रतिष्ठान बंद किए हैं तो सरकार का भी कहीं ना कहीं से जिनकी सैलरी निकल रही है अधिकारियों की, वो हमारे ही कर से निकल रही है, हमारे जीएसटी से निकल रही है। व्यापारी कोई भी चोर नहीं है। कल मीडिया में कहा गया व्यापारी चोर है, तो व्यापारी कोई भी नहीं चोर है। हमारा सारा व्यापारी बहुत अच्छा है। अगर हमने बाजार बंद की है तो राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, और सरकार का इस तरीके से पूरे प्रदेश में बाजार अगर बंद है तो वो उनकी कार्यशैली के लिए बंद है कि जो उन्होंने व्यापार मंडल को संज्ञान में नहीं लिया, अचानक इस तरीके का एक नया फार्मूला निकाल दिया गया और पूरे प्रदेश में भय व्याप्त हो गया, जिसके चक्कर में बाजार बंद है, सरकार का नुकसान हो रहा है। और अगर ऐसा रहा तो हम लोग अगले चरण के लिए तैयार हैं। अगर व्यापार मंडल या व्यापारियों के साथ में बैठक करके अधिकारी नहीं इस चीज को क्लियर करते हैं तो हम लोग आगे लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर अचानक टीम आपसे किसी दुकान पर जांच करती है तो क्या करेंगे। देखिए, आपको जांच करती है, हमारे यहाँ जनपद सीतापुर का मैं महामंत्री भी हूँ व्यापार मंडल का, आपको बता दूँ कोई भी व्यापारी चोर नहीं है। राजस्व आगे पीछे दिया जाता है, जुर्माने के साथ में दिया जाता है। व्यापारी कोई भी गलत नहीं है। जब से जीएसटी आई है व्यापारी व्यापार अपने आराम से जीएसटी के तहत कर रहा है, कोई भी व्यापारी चोर नहीं है। और ना ही ऐसा कोई व्यापारी है कि जो पंजीकृत नहीं है, जो उस दायरे में आता है। लगभग मैक्सिमम व्यापारी 80% से ज़्यादा उसमें रजिस्टर्ड। हम लोग जीएसटी का विरोध नहीं करते, कभी नहीं करते, उनकी कार्यशैली का विरोध है। अभी तक 4 दिन में किसी भी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया गया है मुझसे, ना ही व्यापार मंडल से संपर्क किया गया है। व्यापारियों से कहना चाहते हैं कि हम व्यापारियों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे छोटे से आह्वान पे जिस तरीके से ये जनसैलाब घूम रहा है, इसी तरीके से हम जिले पे भी आयोजन करेंगे। अगर इन लोगों की इस तरीके की रवैया चलेगी
तो मैं जिले पे भी आयोजन करूंगा इसका, नहीं तो अधिकारियों को समय रहते सचेतना चाहिए। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।